कोरोना के कारण पिछले 11 माह से बंद कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल बुधवार से खुले तो एक बार फिर से स्कूलों में रौनक लौट आई। गोरखनाथ स्थित एक स्कूल पर आने वाले सभी छात्र छात्राओं को थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर से हाथ धुलवाकर अभिभावकों की सहमति से कक्षा में प्रवेश दिया गया। इसके अलावा छात्रों ने भी मास्क लगाकर ही क्लास में स्टडी किया। फिलहाल पहले दिन स्कूलों में छात्रों की संख्या में काफी कमी देखी गई। स्कूलों के खुलने को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि सभी स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूलों में शिक्षण कार्य किया गया है। स्कूल खुलने से छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्कूल की प्रधानाचार्य सपना श्रीवास्तव, प्रबंधक अनीता चौरसिया और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएन सिंह ने कहा, सर हमारे विद्यालय में हर क्लासेस में सैनिटाइज हुआ है। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक प्रॉपर डिस्टेंस, मास्क, सारा चीज़ प्रोवाइड किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जा रहा है कोरोना में। तो कितने बच्चों की पढ़ाई हो रही है, जो फुल क्लास है कि हाफ बच्चे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? नहीं, 50% बच्चे आ रहे हैं। आज तो संख्या कम है बच्चों की स्कूल विद्यालय में। गार्जियनों तब से कोई सुझाव आया इस तरह के बच्चों को ना भेजें खेलने के लिए? नहीं, मोस्टली पेरेंट्स जो है भेजने के इच्छुक हैं। हाँ, तो विद्यालय कल काफ़ी वो कॉल्स भी आई हैं स्कूल में कि भेजा जाए कि ना भेजा जाए, पर वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड था कि तो उन्होंने भेजा है बच्चों को। तो बच्चे भी रुचि ले रहे हैं? हाँ, बहुत 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 रुचि। हाँ, बिल्कुल। इतने दिनों से बंद पड़े थे बच्चे, आज विद्यालय का माहौल मिला है, खुश है बच्चे। आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ कोविड, बच्चों ने, गार्जियंस ने, स्कूल ने, तीनों ने बहुत सारी समस्याएं झेली हैं। आज जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह आदेश प्राप्त हुआ है कि 10 तारीख से 6 to 8 बच्चे अल्टरनेट डे पे आएंगे। उनके जो डेज सेलेक्ट हुए हैं उसी डेज के अकॉर्डिंग स्कूल में बच्चों को बुलाया जा रहा है। गार्जियन से एक उनकी अनुमति का लेटर भी ले लिया गया है कि वो अपनी ही जिम्मेदारी पर बच्चों को इस कोविड के दौर में स्कूल में भेज रहे हैं, और स्कूल भी इस संबंध में पूरा उनका स्वास्थ्य का ख्याल रख रहा है। समय समय पर क्लासेस में सैनिटाइजर का अरेंजमेंट हो रहा है। बच्चे मास्क लगाकर नियमित दूरी से, जो दूरी एक सेलेक्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, उस दूरी के अनुसार बैठ रहे हैं। टीचर्स भी मास्क का यूज़ करके ही बच्चों को क्लास में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अरेंजमेंट में पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चे घर बैठे हैं उनका नुकसान ना हो, इसके लिए ऑनलाइन अरेंजमेंट भी किया जा रहा है। टीचर्स ऑनलाइन वर्क भी बच्चों को भेज रहे हैं। एक सप्ताह में कितने दिन विद्यालय खुलेंगे, कितने स्टूडेंट आएंगे इसमें? एक सप्ताह में हर क्लास के लिए अलग अलग दिन बना हुआ है। दो दिन एक क्लास के लिए गवर्नमेंट ने 2 दिन रखा गया है, उसी 2 दिन वो बच्चे आएंगे एंड 50% बच्चे एक दिन में बुलाए जाएंगे अल्टरनेट डे पे, अल्टरनेट टाइमिंग पे उनको बुलाया जा रहा है। कितना उत्साह देखने मिला बच्चों में, काफी दिन बाद विद्यालय खुला है? गार्जियंस एक्साइटेड है, गार्जियंस के भी कॉल्स आ रहे हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं टाइमिंग को लेकर, डेज को लेकर। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन आज फर्स्ट डे है, अभी सबको प्रॉपर मैसेज शायद नहीं जा पाया है, इसीलिए आज संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी। और मार्च में क्योंकि फाइनल होना है तो उसको लेकर गार्जियंस और एग्जाम्स को लेकर काफी एक्साइटेड है। स्कूल में कक्षा वार एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया कि 6, 7, 8 को अलग अलग तिथियों में, उसी तरह से जो आज खुल गए हैं जूनियर प्राइमरी हमारे 1 मार्च से खुलेंगे, उनके लिए भी समय निर्धारित हो गया है कि उसमें कक्षावार बच्चे आएंगे और पूरा जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए पठन पाठन का कार्य होगा, उसमें किसी भी तरह की शिथिलता नहीं बरती जाएगी। और उसी के अनुसार हमारे आज के स्कूल खुल भी गए हैं और कई जगह की रिपोर्टिंग आई, बहुत सुचारू रूप से चल रहे हैं।
कहीं कोई इस तरह की कोई सूचना आई है कि जहाँ पे छात्र न पहुंचे हो या नहीं? ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे चूंकि अभी बच्चों से एक समझौता पत्र भी लेना है उनके गार्जियन से, तो थोड़ा सा शुरू में तो दिक्कत होगी, लेकिन अब धीरे धीरे हम रनवे पे आ जाएंगे, एकदम दौड़ने लगेगा हमारा विद्यालय, हम दो चार दिन थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। जो अभी विद्यालय खुले हैं तो छात्रों की स्थिति क्या रही है, कुछ आया है रिपोर्ट? नहीं, उपस्थिति तो बहुत अच्छी रही है जहाँ खुला है, जैसे आज कक्षा 8 के बच्चों को आना था तो लगभग बच्चे आए हुए थे, और हमको लग रहा है कि आने वाले समय में उपस्थितियाँ बहुत अच्छी उपस्थिति अच्छी हो जाएगी, और स्कूल भी सुचारू रूप से संचालित, जो कि हम जो हमारी योजनाएं हैं शासन की, EMDM देना, ड्रेस वितरण हो चुका है, बैग दिया जा रहा है, जूता मोजा वितरण हो रहा है, स्वेटर वितरित हो चुका है, तो बच्चे चूँकि कभी कटे नहीं हैं, ऑनलाइन या छोटे छोटे ग्रुपों में उनके गार्जियन स्कूलों पे आते रहे तो विद्यालय से उनका लगाव बना रहा, तो ऐसी स्थिति में संभावना है कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पे आ जाएंगे।